दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक पोएम को एनालाइज करूंगा, थायरसिस, जिसको लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई एक फेमस एलिजी है, जिसको 1866 में पब्लिश करवाया गया था मैकमिलन मैगजीन में। ऑफ कोर्स ये पोएम बहुत ही लंबी है, लगभग 240 लाइनों की, ऑलमोस्ट लाइक एन एपिक। इस पोएम के हर एक स्टेंजा में आयम्बिक पेंटामीटर का फॉलो किया गया है दोस्तों। इसके अंदर 24 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा के अंदर 10-10 लाइनें हैं, तो 240 लाइनें हो गई। तो दोस्तों, आज तो कम से कम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में कभी ज़रूर इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस पोएम का कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड के एक फ्रेंड थे आर्थर ह्यू क्लफ, जो कि खुद भी एक ब्रिटिश पॉइट थे। तो आर्नोल्ड ने अपने इसी फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लफ को थायरसिस बोला है इस पोएम के अंदर। ये एक ट्रेडिशनल ग्रीक नाम है, थायरसिस जो है ये एक ट्रेडिशनल ग्रीक नाम है एक शेपर्ड का, और ये कैरेक्टर आर्नोल्ड ने वर्जिल की पोएट्री से उठाया है। ये सब आगे मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा। अभी डिस्कस करते हैं कि इस पोएम में है क्या क्या है कि इस पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड एक पास्टरल इमेजिनेशन करते हैं ऑक्सफोर्ड के कंट्रीसाइड के इलाके की। वो याद करते हैं इस इलाके को जब वो और उनका फ्रेंड थायरसिस दोनों स्टूडेंट्स थे, और 1840 के दशक में इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। माना जाता है दोस्तों, ये पोएम जॉन कीट्स की लिखी हुई पोएम ओड टू नाइटिंगेल जैसी है कुछ कुछ। दोस्तों, आर्नोल्ड का जो फ्रेंड था आर्थर ह्यू क्लफ, वो 1861 में 42 साल की उम्र में गुजर गया, तो उसी की याद में आर्नोल्ड ने एलिजी लिखी। तो पोएम की शुरुआत होती है जब आर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड के आसपास की लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन देता है। जब पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड अपने यूथ ईयर्स में था, जवान था, तो क्लफ के साथ उसकी दोस्ती थी, थायरसिस के साथ उसकी दोस्ती थी। तो वापस पोएट उस कंट्री साइड वाले इलाके की तरफ जाता है जब वो एडल्ट हो गया, और बड़ा ही चार्म और अच्छा फील करता है। लेकिन उसने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत सारे चेंज आ चुके थे इस इलाके की तरफ। जब वो वहाँ पे आया वापस, तो बहुत सारे चेंज आ चुके थे। जैसे सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि उसका दोस्त क्लफ वहाँ नहीं था। वो और उसका फ्रेंड इस एरिया में कई बार आए थे, लेकिन पोएट को बड़ा दुख हो रहा था कि यहाँ कितना चेंज आ गया है। इस जगह पर एक टाइम पर पास्टल ब्यूटी दिखती थी, घाटियाँ वगैरह, अब यहाँ पर सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बन चुकी है। वो और उसका फ्रेंड थायरसिस एक ओल्ड एल्म ट्री को बड़ा एडमायर करते थे। ये दोस्तों इस टाइप का कुछ ट्री होता है ये, तो उसको बड़ा एडमायर करते थे। ये मानते थे कि जब तक ये एल्म का ट्री रहेगा, तब तक स्कॉलर जिप्सी सर्वाइव करेगी। स्कॉलर जिप्सी दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई एक और फेमस पोएम है, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे। तो पोएट इस एरिया की ऐसी हालत को देख करके बड़ा रोता है, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड थायरसिस को भी क्रिटिसाइज़ करता है कि वो अपनी मर्जी से पोएट को छोड़ करके यहाँ से चला गया, और वो कहता है कि थायरसिस कभी लौट कर नहीं आएगा। हालांकि थायरसिस को कोराइडन ने लड़ाई में हरा दिया था। दोस्तों, कोराइडन भी वर्जिल की पोएट्री का करैक्टर है। थायरसिस और कोराइडन दोनों वर्जिल के ही पोएट्री के करैक्टर्स हैं, जिनको आर्नोल्ड ने अपनी पोएट्री में उठाया है। तो उस कोराइडन ने थायरसिस को हरा दिया था लड़ाई में, लेकिन फिर भी हमारे पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड थायरसिस को खुद उसकी मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। फिर पोएट उम्मीद करता है कि प्रसेफनी थायरसिस में वापस से जान डाल दे। प्रसेफनी दोस्तों पाताल लोक की देवी मानी जाती है, लेकिन फिर पोएट इस काम को बेकार समझता है। आगे के स्टेंजाज में क्या होता है, स्पीकर कंट्री साइड में वॉक करता है थायरसिस के लिए रोता हुआ। फिर वो एक लड़की को याद करता है जिसने एक बार उसकी और थायरसिस की बोट में मदद की थी, लेकिन वो लड़की भी वहाँ नहीं थी। ये देख करके वो और ज़्यादा दुखी हुआ। अब ऐसे ही दुनिया की प्रॉब्लम्स को लार्जर सेंस में लेकर के वो घबरा गया। फिर 16th और 17th स्टेंजा में जा करके स्पीकर का मूड सुधर गया, फ्रेश हो गया थोड़ा, जब वो टाउन में कुछ हंटर्स के ग्रुप को देखता है। वो ग्रुप में सब खुश थे, ये चीज़ देख करके स्पीकर भी थोड़ा खुश हुआ, और फाइनली उसे वो एल्म ट्री भी मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था, एल्म ट्री। और उसे ये देख करके यकीन हो जाता है कि स्कॉलर जिप्सी अलाइव है। फिर ऐसे ही अच्छे मूड में उसने थायरसिस के लिए जो हेटफुल ओपिनियंस दिए थे उन्हें वो सुधार लेता है।
और इसी के साथ चलते चलते पोएम ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों पोएम का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्या है कि ये थायरसिस बड़ी ही मुश्किल पोएम है, बिना गाइडेंस के समझना इसको बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पोएम का संबंध वर्जिल की पोएट्री से भी है, इसमें आर्नोल्ड ने खुद की लाइफ को भी मिक्स करके इसको लिखा है। आर्नोल्ड के फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लफ की 1861 में डेथ हो गई थी और ऑक्सफर्ड इन्होंने कई साल पहले ही छोड़ दिया था। फिर साल 1861 में आर्नोल्ड ने वापस ऑक्सफर्ड की कंट्री साइड में विजिट किया और आर्नोल्ड ने सबसे पहली बात तो ये ऑब्ज़र्व की कि ये एरिया कितना बदल चुका है। दोस्तों यहाँ पे पोएट सिर्फ अकेले अपने दोस्त की डेथ पर नहीं रो रहा, बल्कि बहुत सारे लॉस हुए हैं उन पर भी रो रहा है, अपने फ्रेंड की डेथ के अलावा। तो दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस था इस पोएम का, मैंने आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया इस पोएम का। आई होप आपके लिए ये वीडियो कुछ हद तक हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।